थी ना, और उसकी एक दो बहुत कंट्रोवर्शियल टीचिंग्स हैं, और हाँ इस बारे मैं में मैंने एक आपको। मिनट थोड़ा टाइम लूंगा, हमारे बहुत बिजी शेड्यूल वाले एक्स मुस्लिम आए हैं, मैं उनसे अपने उनके थॉट्स जानने की कोशिश करता हूँ और उनकी भी स्ट्रीम होगी। वेलकम हाँ जफर सर। हाय जफर, हाउ यू? जफर भाई हेलो जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी हेलो लोग? जी, हेलो बहुत बढ़िया जी जनाब, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत बढ़िया, बस मैं जफर वेट कर आपने रहा था हाँ कि क्यों नहीं मुझे बोला? जो नहीं, हेलो बोलिए, हेलो नहीं बोले आप? हेलो हेलो बोल दिया मैंने सभी को। हेलो हेलो नहीं बोलना है आपको, आजाद भाई वाला आजाद भाई, हेलो। अच्छा हेलो आजाद भाई बोलना का है क्या? एक एक स्पेशल हेलो रहता है आजाद भाई का, अच्छा, हेलो बोल के आते हैं। दिल में उतरने को हाँ और ना लो। माफ कीजिएगा आजाद भाई। हेलो, इज इट फाइन नाउ? आई होप। हाँ एब्सोल्युटली जफर सर, आज जी हमारी सर। जो स्ट्रीम है स्पेशल एक्स मुस्लिम के लिए थी, जी लेकिन जो लोग आ गए आगे बाद में हमने कॉलर्स को लेना शुरू किया, आप आ गए, तो जी आप हमारे आज के जो टॉपिक है उसमें दो क्वेश्चन रखे हैं। सबसे जी पहले ये कि हम बता दें, एक्स मुस्लिम किसी आइडियोलॉजी का नाम नहीं है, आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले का नाम नहीं है, बल्कि एक्स मुस्लिम वो होता है जो एक आइडियोलॉजी छोड़ के आता है, जिसे इस्लाम कहते हैं, उसी को एक्स मुस्लिम कहते हैं कि उसने आइडियोलॉजी छोड़ा है, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया बल्कि छोड़ा है, वो एक्स मुस्लिम है। तो एक्स मुस्लिम होता क्या है? एग्नास्टिक, नास्तिक, कम्युनिस्ट, ह्यूमनिस्ट, ये नाम उन्होंने रखे हैं, लेकिन थॉट्स हर एक के अलग अलग है एक्स मुस्लिम के। तो आप ये जो यूनिवर्स है इसके क्रिएशन के ऊपर आपके क्या थॉट्स है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, इन फ्यूचर, अब एक्स मुस्लिम बने हैं मतलब एक आइडियोलॉजी छोड़े हैं, इन फ्यूचर आप किस फील्ड पे काम करना चाहते हैं? ये दो ही सवाल है आज के। अच्छा, एक तो आपने पूछा जो अभी आप बात कर रहे थे ना, कि ये जो आइडियोलॉजी वाली बात है, मैंने कई बार जी देखा है जब हम किसी आइडियोलॉजी वाले बंदे से हम बात कर रहे होते हैं और हम उसकी कमियां गिना रहे होते हैं और हम उसे बता रहे जी होते हैं कि भाई इस आइडियोलॉजी में ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो वो पॉइंट लेकर आते हैं कि अरे आप तो नास्तिक हो, आप चाइना को देखो, चाइना में भी तो देखो कितने जानवरों को मारा जाता है, यह है दुनिया भर की बातें करते हैं। अरे भाई, नास्तिक का मतलब तो ये नहीं है कि जो चाइना वाले हैं और जो हम हैं और जितने भी दुनिया के एक्स मुस्लिम हैं वो सबके सब सेम होंगे, उनके थॉट सेम होंगे। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे विचार हैं, वो सब हम फ्री थिंकर्स हैं, हम किसी आइडियोलॉजी से कोई वो नहीं रखते हैं। अच्छा, दूसरा आपने बोला किस पे, क्रिएशन पे, जो क्रिएशन की जो थ्योरी दी जाती है, तो एक्चुअली इसके अंदर क्या करते हैं ना ये लोग, कि इन्होंने जो हमारे ईमान वाले जो भाई हैं उन्हें इस तरह से बेवकूफ़ बना रखा है। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि जो बेवकूफ़ बनाया है रिलीजन के नाम पे लोगों को, तो ये इस तरह से उनसे बात करते हैं, उन्हें ऐसे समझाते हैं कि क्रिएशन का जो अपोजिट होता है वो कोइंसिडेंस ही होता है, बस इस तरह की एक अवधारणा सी इन्होंने बना दी है उन लोगों के माइंड में। उन्हें यही लॉजिक हमेशा दिया जाता है कि भाई अगर जो क्रिएशन है उसका अपोजिट जो होगा वो सिर्फ कोइंसिडेंस ही होगा, जबकि ये गलत है। इसका एक जो अपोजिट है वो एक इवोल्यूशन भी हो सकता है, कि चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हुई। अच्छा, ये हमेशा आप कभी भी देखना, जब कभी ये इस तरह, मतलब ये जब हम कहते हैं कि ये पूरी जो पूरा जो वर्ल्ड है जो ये क्रिएट हुआ, ये खुद से अपने आप से बनाए, तब ये उस पॉइंट को देखना जब कोई भी स्कॉलर होगा और टीवी पे या कहीं पर भी कोई इस तरह का वो दे रहा होगा अपना खुतबा, तो वो हमेशा यही कह के इस बात को हंसेगा कि बताइए कैसे, आप कल्पना कीजिए आप खुद से कि एक घर बन गया, उसके अंदर पानी की टंकी की फिटिंग हो गई, ये हो गया ये हो गया, और ये सब कोइंसिडेंस है एकदम, तो ये कैसे पॉसिबल? तो मतलब इस चीज़ को वो लोगों के दिमाग से हटा देते हैं, मतलब उन्हें इस तरह का सोचने का मौका ही नहीं देते कि धीरे धीरे कैसे चीजें इवॉल्व होती हैं। घर के बनने में और एक प्लैनेट के बनने में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। घर घर बनेगा 7 दिन में, 8 दिन में बन गया, एक प्लैनेट को अरबों साल लग जाते हैं बनने में, क्योंकि वो धूल मिट्टी एग्जैक्टली से बनता है और वो अपने आप बनता चला जाता है। वो जितने भी उसके कण वगैरह होते हैं मिट्टी के, वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और वो एक गोल शेप लेना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप ही। ये नेचुरल क्रिएशन कह सकते हैं हम इसे। तो इस तरह से लोगों का बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा, सेकंड क्या था आपका, फ्यूचर के बारे में ना? जी जी,
तो फ्यूचर के बारे में मेरा कहना है कि जो एक्स मुस्लिम का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और मैं तो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ। क्योंकि देखिए, आप अगर अब से 10 साल पहले के बारे में सोचें तो एक्स मुस्लिम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पर हमें देखें हम तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्स मुस्लिम लोग आ चुके हैं, तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है हम लोगों का, ये तो मैं देख चुका हूँ। बस ये है कि हमें मिलकर काम करना होगा, हम सभी को, हमें मिलकर सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है, बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं रखना है हमें अपने बीच में, हमें एज ए टीम सभी को मिलकर काम करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें ये भी नहीं करना, बिल्कुल ये भी नहीं करना है हमें, जी जी सचवाला जी। और एक चीज में ये भी कह रहा था कि हमें ये भी नहीं रखना अपने अंदर कि भाई ये हमारे पाकिस्तान के हैं एक्स मुस्लिम, ये हमारे बांग्लादेश के, देखो हमसे बेहतर तो फिर इस मामले में मुस्लिम हो गए, वो तो देश तक के कॉन्सेप्ट भी नहीं रखते, वो एक धागे में बंधे हुए हैं इस्लाम नाम के। अगर हम इन चीजों को लेके बैठेंगे तो उससे तो फिर हमसे तो बेहतर वही हो गए, वो कभी देश के कॉन्सेप्ट में नहीं मानते, उनके लिए इस्लाम सबसे पहले है, तो हमारे लिए ह्यूमैनिटी सबसे पहले होनी चाहिए। तो हमें ये बिल्कुल नहीं रखना है कि भाई ये पाकिस्तानी हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। एक्स मुस्लिम मतलब एक्स मुस्लिम, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया है। तो इस चीज को हमें ध्यान रख के एज ए टीम हमें काम करना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जी। अब आप मैं ऐड करूंगा, दो बात ऐड करना चाहूंगा कि हम भेदभाव के मामले में पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम और इंडियन एक्स मुस्लिम तो नहीं करेंगे, लेकिन जब किसी कल्चर में, किसी देश में, किसी समाज में अगर बदलाव लाना है तो वहां की ग्राउंड रियलिटी जो अच्छे से समझता है, उन लोगों की टीम वर्क बनाना, उनकी टीम बनाकर ही काम करना पड़ेगा। जो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी सही से नहीं समझता है, वो नहीं जानता है, उसकी इंफॉर्मेशन सोर्सेस सिर्फ मीडिया या न्यूज़पेपर है, तो वो उतना नहीं जानेगा जितना हम जानते हैं। इसलिए उनसे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमको हमारे इन फ्यूचर जो न्यू जनरेशन के लिए यहाँ पर जो काम करना है, उसके लिए हमको हमारी टीम बनाना पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल, वो मैं उसमें मानता हूँ। देखो देशभक्ति वगैरह ये सब चीजें अपनी जगह पर सही है। मैं सारे देशों को अपने घर की कॉन्सेप्ट की तरह समझता हूँ, जैसे हमारा घर होता है और जैसे हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं, सब करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। लेकिन हमें एक कंपटीशन की जो भावना होती है ना एक दूसरे से, वो हमें नहीं रखनी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो बात है, एग्री है। वो तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, सही बात है आपकी। नहीं, कोऑपरेट भी करना चाहिए। और आज़ाद भाई, सचवाला जी, और जो भी एक्स मुस्लिम जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी जरूर करिए और हमको भी बुलाइए अपनी शादी में, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। आजाद भाई, ये बात आपने क्या कही थी जफर जी? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा जनसंख्या का वो पड़ रहा है हमारे सर पे। ये दरअसल ना ये कॉन्सेप्ट रिलीजन की बात है, रिलीजन वाले ही ये चीज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और अपने रिलीजन को मजबूत करो। जी, ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम बनाओ, ऐसा बोल सकते।